Hello students, again most welcome to IP computer classes key to creative learning. I am Yogesh Verma, your computer teacher. ICSE computer class 10. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICSE बोर्ड ने कंप्यूटर एप्लीकेशन का फर्दर सिलेबस रिड्यूस किया हुआ है. मैं ऑलरेडी सिलेबस रिड्यूस का वीडियो बना चुका हूं, जिसमें जो चैप्टर एंड जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो मैंने बताया है, बट ICSE बोर्ड ने अगेन कुछ टॉपिक्स रिमूव कर दिए हैं, तो आज हमें उसके बारे में पता चलेगा. तो इस पीडीएफ में मैंने कुछ पॉइंट नॉर्मल हाईलाइट किए हुए हैं एंड कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर डीप हाईलाइट किया हुआ है. तो जो डीप हाईलाइट किया हुआ है वो अगेन रिड्यूस हुआ है, और जो नॉर्मल हाईलाइट हैं वो पहले से रिड्यूस्ड हैं. आपको मेरे पुराने वीडियो में भी ये सभी पॉइंट रिमूव हुए हैं, उसके बारे में मैंने बताया हुआ है. तो स्टार्ट करते हैं कौन कौन से पॉइंट रिमूव हुए हैं ऑलरेडी जो रिमूव थे, और कौन कौन से पॉइंट अगेन रिमूव हुए हैं. ओके, मैं यहाँ पर आपको इसमें से जो पॉइंट रिमूव हुए हैं उसका एक पीपीटी डिस्क्रिप्शन भी साइड बाय साइड देते हुए चलूँगा. ओके, तो आप यहाँ पर देखिए चैप्टर 1 रिवीजन ऑफ क्लास 9, चैप्टर 2 क्लास एज बेसिक्स ऑफ ऑल कंप्यूटेशन, एंड चैप्टर 3 यूजर डिफाइंड मेथड्स, चैप्टर 4 कंस्ट्रक्टर्स, चैप्टर 5 लाइब्रेरी क्लासेस. ये चैप्टर 5 तक कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है. तो चैप्टर 6 मैंने नॉर्मल हाईलाइट किया हुआ है, ये ऑलरेडी डिलीटेड था. साइड में मैं पीपीटी में आपको डिस्क्राइब करते हुए भी चल रहा हूँ. राइट हैंड साइड में आप देखिए यहाँ पर एनकैप्सुलेशन टॉपिक के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं वो रिमूव हो गए हैं. ओके, एंड चैप्टर 7 एरेज, चैप्टर 7 में जो एरे है उसमें से क्या क्या रिमूव हुआ है. डबल डायमेंशनल एरे कम्प्लीटली रिमूव हो गया है. सॉर्टिंग्स में 2 टाइप्स की सॉर्टिंग होती हैं, सेलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट, जिसमें से सेलेक्शन सॉर्ट टोटली रिमूव हो गया है. एंड सर्चिंग टेक्निक में 2 टेक्निक्स हैं, लीनियर एंड बाइनरी सर्च, जिसमें से बाइनरी सर्च टोटली रिमूव हो गया है. तो डबल डायमेंशनल एरे, सेलेक्शन सॉर्ट एंड बाइनरी सर्च टोटली रिमूव हो गया है. एंड ये है टोटली डिस्क्रिप्शन अबाउट 2 डायमेंशनल एरे. तो 2 डायमेंशनल एरे या डबल डायमेंशनल एरेस के रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स हैं, लाइक डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, एक्सेप्टिंग डेटा इन अ डबल डायमेंशनल एरे, सो मेनी थिंग्स टोटली रिमूव हो गए हैं. मींस डबल डायमेंशनल एरे का कोई भी पार्ट आपको स्टडी नहीं करना है. उसके बाद आता है स्ट्रिंग हैंडलिंग. अब आप देखिए ये मैंने ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये फर्दर रिड्यूस हुआ है. मीन्स ये पहले रिड्यूस नहीं हुआ था, अभी रिड्यूस हुआ है. ओके, बाकी ऑल फंक्शंस सेम हैं यहाँ पर जो आपको स्टडी करने हैं. उसके बाद राइट हैंड साइड में जो पीपीटी में मैं बताते हुए चल रहा हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. बाद में उसमें कम्प्लीटली रिड्यूस टॉपिक में डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ. अगेन मैंने अब 2 लाइंस ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब ये अभी रिड्यूस हुआ है, पहले से रिड्यूस नहीं था. ओके, जैसे प्रोग्राम बेस्ड ऑन अबव मेथड एक्सट्रैक्टिंग मॉडिफाई कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग, ये अभी मॉडिफाई हुआ है. एंड उसके बाद है सॉर्टिंग करना ऑन द अल्फाबेटिक ऑर्डर बाय यूजिंग बबल सॉर्ट एंड सेलेक्शन सॉर्ट, ये पहले से रिड्यूस था. ओके, हाँ, तो यहाँ पर इतना तो रिड्यूस हुआ है स्ट्रिंग हैंडलिंग में, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐड भी किए हैं जो मैं आपको बता देता हूँ. स्ट्रिंग के रिगार्डिंग आपको ओनली सिंटेक्स पर्पस वर्किंग एंड एग्जांपल विद आउटपुट, ये आपको एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है और इसको स्टडी करना है. मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं उनके सिंटेक्स, उनका पर्पस क्या है, उनकी वर्किंग क्या है, एंड एग्जाम्पल्स विद आउटपुट, ये स्ट्रिंग से रिलेटेड आएंगे. ओके, तो अभी खुश होने की बारी है, यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं. काफ़ी टॉपिक रिमूव हो गए हैं, जो टॉपिक बचे हुए हैं उसको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कीजिए
और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने की कोशिश की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।